नमस्कार, टीवी 9 राजस्थान पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं भविष्य त्यागी। राजस्थान पूरी तरह से चुनावी मूड में है। जितने पुरजोर तरीके से राजनीतिक दल चुनावों के लिए मंथन से लेकर रणनीति बनाने तक में लगे हैं, उतने ही उत्साह के साथ राजस्थान की जनता भी अपने मताधिकार की ताकत को इस्तेमाल करने के लिए इंतजार कर रही है। अलग अलग सीटों पर राजनीतिक दलों के दांव पेंच के साथ साथ वहां के समीकरणों को जानने के लिए भी वोटर्स उत्साहित हैं। इसलिए हम एक एक करके आपको अलग अलग सीटों के समीकरणों से लेकर वहां किस पार्टी और किस दावेदार का कितना प्रभाव है ये भी आपको बता रहे हैं। आज इस वीडियो में हम राजस्थान की 55 सीट का पूरा समीकरण आपको बताएंगे। सबसे पहले आपको 55 सीट की भौगोलिक स्थिति की जानकारी देते हैं। राजस्थान की 55 विधानसभा सीट बाड़मेर और जोधपुर जिलों के बीच में स्थित है। हालांकि ये विधानसभा सीट बालोतरा जिले के अंतर्गत आती है। बालोतरा के लोगों के 40 साल के संघर्ष के बाद गहलोत सरकार में इसको जिला घोषित किया गया। राजस्थान की 55 सीट आध्यात्मिक दृष्टि से भी काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी क्षेत्र में स्थित है ब्रह्मा धाम आसोत्रा, जहां पर दुनिया का दूसरा ब्रह्मा का प्रतिष्ठित मंदिर है। साथ ही यहीं पर प्रसिद्ध माता रानी भटियाणी का जासौल मंदिर और जैन धर्म का नाकोड़ा भैरव मंदिर भी है। वहीं रानी रूपादे और रावल मल्लिकानाथ की कर्मस्थली ये क्षेत्र माना जाता है। बालोतरा के पास स्थित तिलवाड़ा में इनके मंदिर स्थित हैं। साथ ही तिलवाड़ा में ही पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला भी लगता है। बालोतरा में बड़ी मात्रा में कपड़े की फैक्ट्रियां हैं, इसी वजह से इसे पोपलीन नगरी भी कहा जाता है। इसी 55 क्षेत्र में राजस्थान की पहली रिफाइनरी स्थापित हो रही है, जिसका अगले साल पूरे होने की संभावना है। चलिए अब आपको बताते हैं कि सीट पर मतदाताओं की कितनी संख्या और यहां सिटिंग यानी कि मौजूदा विधायक कौन है। इस विधानसभा सीट पर 247,586 मतदाता हैं। वर्तमान में कांग्रेस के मदन प्रजापत इस सीट से विधायक हैं। विधायक मदन प्रजापत ने बालोतरा को जिला बनाने की मांग को लेकर जूते छोड़कर नंगे पैर चलने की प्रतिज्ञा ली थी, जिसके बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बालोतरा को जिला बनाने की घोषणा की। ऐसे में कांग्रेस बालोतरा को जिला बनाने के मुद्दे को चुनाव में भुनाने की कोशिश कर रही है। चलिए इस सीट के राजनीतिक इतिहास पर भी नजर डालते हैं। 55 विधानसभा सीट से जोधपुर संभाग की पहली महिला विधायक मदन कौर 1967 से लगातार 3 बार विधायक बनी। वहीं बीजेपी सरकार में मंत्री रहे अमराराम चौधरी भी कांग्रेस के टिकट पर 1980 और 1993 में उन्होंने चुनाव लड़ा और जीतकर विधानसभा पहुंचे। 1998 में अमराराम चौधरी बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़े और जीते। इसके बाद 2003 और 2013 में जीतकर विधायक और वसुंधरा सरकार में मंत्री बने। इस सीट पर 5 बार बीजेपी तो 6 बार कांग्रेस का कब्जा रहा। वहीं 2018 के चुनाव में कांग्रेस के मदन प्रजापत ने बीजेपी के अमराराम को लगभग 4,000 वोटों से हरा दिया था। इस बार भी कांग्रेस से मदन प्रजापत ही टिकट के दावेदारों में सबसे मजबूत स्थिति में है। बीजेपी से दावेदारों की लंबी लाइन है। इनमें पूर्व विधायक और मंत्री अमराराम चौधरी, उनके बेटे अरुण चौधरी, पूर्व विधायक चंपालाल भाटिया के बेटे गणपत भाटिया, नगर परिषद सभापति सुमित्रा जैन, कल्याणपुर सरपंच दौलाराम कुआं समेत कई नेता टिकट मांग रहे हैं। वहीं इस विधानसभा सीट से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से थान सिंह डोली भी चुनावी मैदान में है। तो 55 विधानसभा सीट का यह था पूरा राजनीतिक समीकरण। आपको यह जानकारी और यह वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आपकी राय और आपके सवालों के लिए भी हमारा मंच पूरी तरह से खुला है। आप कॉमेंट बॉक्स के जरिए अपनी बात हम तक पहुंचा सकते हैं। और राजस्थान के चुनावों और राजनीतिक समीकरणों की तमाम जानकारियों के लिए आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए टीवी 9 राजस्थान। नमस्कार।